हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बढ़िया हूँ। तो अभी सुबह हो गया। कल मैंने यही रूम पे, इस वाला रूम पे रहा था, यहाँ पे साजेग में। तो ऐसा कुछ था, दिखा जाता हूँ, देखो थोड़ा सा दिखा जाता हूँ। ये बम्बू का, मतलब बम्बू कॉटेज बोल सकते हैं इसको। ये देखो, सब बम्बू से बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक फैन है। थोड़ा गर्मी होता है यहाँ पे भी, लेकिन नॉर्मली होता है, मॉडरेट। ये सब भी बम्बू है देखो। और ऐसा कुछ वुडन फ्लोर है, इसके ऊपर ये प्लास्टिक है, बेड कुछ ऐसा है। यहाँ पे रहा था ऐसा कुछ, यहाँ पे मैं रहा था, यहाँ पे भी सो गया था मैं। मतलब ऐसे मैं अभी रहा तो थोड़ा बहुत गैजेट का इधर उधर हो रहा है। और वॉशरूम भी बढ़िया है देखो, यहाँ पे वेस्टर्न है, कोई कोई जगह में एशियन भी होता है, लेकिन ये टूरिस्टिक प्लेस है ना, इसलिए। तो भाई अभी आते हैं बाहर का नज़ारा का, ठीक है? बाहर का नजारा भी अभी दिखा देता हूँ कैसा है। बारिश दिया था यहाँ पे, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत बिक के रखा है इसलिए। और यहाँ से देखो यार, कितना बढ़िया सुंदर व्यू है। वहाँ पे भी कुछ रिजॉर्ट है, काफ़ी सारे रिजॉर्ट है यहाँ पे। वो देखो, वो सब भी कॉटेजेस है। तो ऐसा कुछ नज़र आया अभी मैंने सुबह, और भी सुबह का 5 बजे 4 बजे का भी व्यू लिया था, वो भी दिखा दूंगा मैं। ऐसा कुछ यहाँ पे बनाना का, बहुत बनाना का यहाँ पे ट्री होता है, बगान होता है। और थोड़ा सा और थोड़ा बहुत जूम करके भी दिखा देता हूँ मैं। देखो वो सब जो दिख रहा है वो सब मिजोरम है, मतलब इंडिया उस साइड में। अभी उस साइड में सब मिजोरम है, ये मिजोरम बॉर्डर पट है जो साजेक है। आप लोग मैप में भी देख सकते हैं, SAJEK साजेक मार के तो निकल जाएगा लोकेशन, एंड आप लोग को पता चलेगा। और ये है यहाँ का रिसेप्शन, ऐसा कुछ। तो सुबह का अभी खाना खाने के लिए बुला लिया मुझे, वही जा रहा हूँ मैं खाना खाने के लिए। और बहुत कम टूरिस्ट आ रहे हैं अभी यहाँ पे, यहाँ पे तो अभी कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। चलते हैं खाना खा लेते। वाओ नजारा, वहाँ पे किचन, खाना खा लेते। हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। क्या बना रहे हो ये? साल्टा। मैं देखो कितना सारा स्पाइस रहते हैं अभी, स्पाइसी। और इस चिल्ली नहीं, वो बम्बू सूट का। तो खाना रेडी है, अभी खा लेते हैं सुबह का खाना। और आज है ये करेला, करेला बोलते हैं ना इसको, करेला। और ये वाला जो बनाया था बॉयल है, यहाँ पे तो बॉयल ही चलते हैं। तो अभी मैं बाहर निकल के आ गया थोड़ा बहुत घूमने के लिए। मैंने डिसीजन लिया है कि आज ही निकल जाऊंगा यहाँ से 10:30 बजे। तो एक मैनेज कर देगा भैया जी उसमें, मतलब मैं जा पाऊंगा आराम से। मतलब मेरा वीज़ा भी एक्सपायर होने वाला है ना, तो सब कुछ जल्दी में कर रहा हूँ मैं। वीडियो भी नहीं आ रहा है इसलिए, नेट भी नहीं है। तो देखते क्या सीन बनता है आज। आज थोड़ा सा घूम लेते हैं। अभी अभी टाइम हो गया 9:30 बजे, तो 9:30 एक घंटा है, और एक घंटे से थोड़ा कम है। और यहाँ पे देखो ऐसा कुछ नजर है, वहाँ पे एक सेल्फी ब्रिज है, वहाँ पे देखो सेल्फी ब्रिज, वेलकम टू सेल्फी ब्रिज। लुसाई क्लब वगैरह है यहाँ पे, लेकिन इस टाउन पे उतना नहीं है, मतलब अंदर अंदर में है थोड़ा सा। तो ऐसा कुछ है, यहाँ का जूनियर हाई स्कूल, साजेक जूनियर हाई स्कूल देखो, छोटा सा है, क्लास चल रहा है अभी। तो अभी हम बाइक से घूमने जाने वाले हैं, मतलब टाइम भी शॉर्ट है, और मैं अभी चलाऊंगा इसलिए भैया पकड़ेगा। देखो तो मिलते हैं अभी वहाँ पे, एक ट्रैकिंग साइट है उस पर हमें जा रहे हैं हम। ऑफ कर लियो वो। तो अभी ऐसे उठ के जाना पड़ रहा है हमें, हमने बाइक वहाँ पे पार्क कर दिया है अभी यहाँ तक आके।
तो थोड़ा सा ऊपर ट्रैकिंग जाना है, उसके बाद मिलेंगे। और यार मेरा गोप्रो का लेंस में थोड़ा सा वो पानी घुस के थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ से अच्छा व्यू मिल जाएंगे मिजोरम का, जो कि मैंने पिछला वाला ब्लॉग में भी है, मतलब इस वाला ब्लॉग में है व्यू तो, लेकिन इधर से अच्छा मिलेगा। और ये जो साजेक है, बोल सकते हैं कि बांग्लादेश का सबसे ऊंचा पॉइंट है साजेक। हाँ, और अपना पीछे भी बहुत अच्छा व्यू है, देखो उदिगे बांग्लादेश और उदिगे इंडिया मिजोरम। ठीक, साजे के ऊंचा। हाँ देखो बांग्लादेश में भी कितना घूमने लायक जगह है। हाँ तो चलो चलो चलते हैं, अभी ऐसा कुछ रास्ता है। अच्छा हाँ, तो अभी ऊपर में ऐसा कुछ दुकान वगैरह है ऐसा कुछ, क्योंकि टूरिस्टिक प्लेस है ना, तो ऐसा छोटा छोटा दुकान है। हाँ अच्छा ओके, तो देखते हैं क्या क्या बेच रहे हैं यहाँ पे। ओ क्रेप्स, बम्बू, ये किसके लिए यूज होते हैं? इधर हाँ सा कॉफी। अच्छा अच्छा कप, बम्बू कप। ओ इधर कि बीरी। हाँ ओह देखो कितना बड़ा बड़ा बेरी है यहाँ पे। बेरी इधर म्यांमार बर्मिस। अच्छा और नहीं बड़ा बड़ा है। कतो प्राइस? 20-30 एक तो है। अच्छा अच्छा और ऐसा कुछ। हाँ दुईटा ने ले 50। अच्छा अच्छा इंडिया बोरो कचहरी कचहरी। हाँ हाँ बोरो कचहरी इन आसाम इंडिया आसाम। हाँ अपनी खान बर्मी मार्मा मिजो मिजो लुसाई। अच्छा अच्छा लुसाई 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 में हाउ आर यू को कैसे बोलेगा? हाउ आर यू कैसे कैसे हो केमोन अच्छे लुसाई में इन लुसाई डामो। अच्छा डामो। हाँ 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 डामो मिजो से सेम होता है क्या? मिजो सेम। हाँ ओके ओके चलो कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं यहाँ पे। आपको चाहिए भैया कोल्ड ड्रिंक्स? लेमन, ये लेमन का है ये कोटो एग, एग में 20 टका। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी मैं ये पी लेता हूँ और थोड़ा बहुत तो, अरे यार मक्खी क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा बहुत तो यहाँ पे वो करने को मिल गया, लुसे ट्राइब से भी मिलने को मिल गया। इधर की इधर रेड वाइन लोकल। हाँ हाँ देखेगा इंडियन। अच्छा वाइन वाओ मिजोरम सम्पाई। ओके सम्पाई, सम्पाई में भी गया था, गेसी है सम्पाई थे मोई। हाँ हाँ जाए छे। ओके कोटो इधर दाम यहाँ पे तो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा हाँ देखो यहाँ पे ये जो छोटा सा वाइन है 800 तक है। अच्छा अच्छा 800 तक है। बांग्लादेश सो एक्सपेंसिव वाइन। हाँ हाँ सो एक्सपेंसिव। इंडिया इंडिया चीप, वो सस्ता मिलता है इंडिया में। तो ऐसा ही थोड़ा बहुत लोकल टूरिस्ट से ही वो लोग काम चलाना पड़ते हैं, जो इनकम वगैरह। उसके बाद ये बगान वगैरह है, मतलब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे है लुसा है। और एक क्या था भैया जी? अनदर वन पंकु। अच्छा पंकु ट्राइब है फिर सब यहाँ पे भी। हेलो इधर की, ये क्या है भैया? कॉफी लोकल कॉफी। अच्छा और ये वाला फ्रिज देखो, पता नहीं क्या है, पपया है क्या? हाँ पपया हो गया।
पपैया पपैया ना अलग की अच्छे इधर मिजोरम मिजोरम से बहुत फ्रूट आते हैं, बहुत सामान आते हैं लगते हैं यहाँ पे। ये बड़ा मेरी यहाँ पे भी है घर कुछ देखो ऐसा होता है यहाँ का लुसाई पांकू घर। और तो दुकान तो है ही, मतलब दुकान देते और ऐसे ही घर में भी रहते। ज्यादा तो टीन का बने हुआ घर दिख रहा है मुझे, देखो ऑलमोस्ट असम में भी ऐसा दिखने को मिल जाता है, थोड़ा रिमोट एरिया साइड में। उसके बाद ऐसा कुछ है। और ये है यहाँ का चर्च, जो कि आप लोगों को पता है लुसाई लोग और मिजो ट्राइब जो है वो क्रिश्चियंस होते हैं, तो यहाँ पे उन लोगों का चर्च है। तो भाई यहाँ क्या क्या भी मिल गया, पूरा इंडिया व्यू यहाँ से, मिजोरम इंडिया यहाँ से ना। वाह देखो सब मिजो हिल से है, मतलब मिजोरम का हिल्स। थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे तो आप लोग, एक दो घर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो इतना पहाड़ी पे भी घर है, मिजोरम पे भी रहे। वाह एक तरह का यार कुछ हद तक जुको वेले वाइब भी लग रहा है मुझे। नहीं याद आ गया मिजोरम का, जाना पड़ेगा वापस मिजोरम पे। अभी इससे अच्छे तो जा नहीं सकते है, लेकिन ट्राई करेंगे। यही था व्यू, तो भाई यही कुछ था व्यू हम लोग को दिखा दिया मैंने कि यहाँ पे भी बांग्लादेश में भी कैसा होता है मिजोरम बॉर्डर, मिजोरम एंड बांग्लादेश बॉर्डर, और लोग कैसा रहता है यहाँ पे, कैसा इसको मतलब टूरिस्टिक प्लेस बना दिया है और लोकल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर फॉरेनर तो आता नहीं है अभी क्योंकि उसके लिए स्पेशल परमिट चाहिए। और वैसे भी बांग्लादेश में अभी काफ़ी मतलब कम फॉरेनर्स आते हैं, कम फॉरेनर्स आते हैं, तो आप लोग आ सकते हैं, उसमें उतना दिक्कत नहीं है। बस ये CHT एरिया में ना, जो चित्तागंग हिल ट्रैक एरिया में, इसमें थोड़ा सा गाड़ी का दिक्कत है आपका, व्हीकल का थोड़ा सा आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएगा, वही बात है। मैं बजट ट्रेवलर था इसलिए थोड़ा बहुत, फिर भी मैंने इतना ट्राई करके आ ही गया। देखो यहाँ पे अभी वापस से चलते हैं एंड आज घाघराचारी की ओर चलते हैं। वही देखिए वी बांग्लादेश शॉप घाघराचारी CHT एरिया। और आप लोगों ने देखा है कितना टफ था वहाँ से आना, बहुत ही ऊंचा में है ये साजेक जो है बांग्लादेश में, रंगामाटी लास्ट सीमा होता है, रंगामाटी डिस्ट्रिक्ट आचे ना इधर, रंगामाटी डिस्ट्रिक्ट में ही है ये लास्ट सीमा होता है ये। तो इस पहाड़ का नाम है कोंगलक, कोंगलक पहाड़, कोंगलक पहाड़। अच्छा अच्छा इधर पहाड़ के लाइफ केमन आचे, जीवन जीवन मालो मालो नो नो है मेरे पास। तो आप लोग भी हिंदी बुझी आपने? ना बुझी, लुसाई त्रिपुरा, आपने त्रिपुरा ट्राइब कहम 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 माने बालो। हाँ 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 बाहेटोंग, बाहेटोंग माने की बाबे थाके। हाँ हाँ कहम कहम टोंग कहम नो टोंग कहम कहम माने बालो। अंगबो किसा किसा को बोरो बुझी ना है ना, हो रहा है ना, किसा किसा माने हल्का 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 ओल्पो ओल्पो ओल्पो। अच्छा ये भैया जी लोग कहाँ जा रहे हैं? यंगबो थाना है, कंकर यंगबो थाना है। हाँ कंकर ठंडा खाचे 3 घंटा रास्ता, 3 घंटा रास्ता, क्या करने जाएगा कंकर की करबो जाइछे जाबो कंकर बालो सीधी के माने ओई एकटा बाड़ी आहा ग्राम जी की। अच्छा अच्छा मैं हाउस बनाबो जे हाउस बनाबो सब कंकर बालो किछु कलेक्ट करबो एते झोलाते। हां अच्छा अच्छा तो ऐसा कुछ जा रहे हैं देखो। तो भैया जी बोडोलैंड में किया है, कौन जगह थे जैसे बोडोलैंड थे? सिलीगुड़ी, कोकराझार, कोकराझार सिलीगुड़ी। अच्छा तेजपुर डिस्ट्रिक्ट, तेजपुर ठीक है, तेजपुर डिस्ट्रिक्ट। तो दुई साल। अच्छा बोरो ट्राइब के जाने अपनी की ट्राइब लुसाई। अच्छा
आप लोग क्या बोलते हैं? आई डे मैम, हाउ आर यू को? ईदा मैम अच्छा ईदा मैम, ओके जी। हम भाई कुलुमका। हाँ, अब लुसाई में क्या बोलते हैं? लुसाई दिखे मांगठा। ठीक है, मांगठा। तो घूम के वापस से आ गया अभी, उसके बाद जाने वाले खगड़ासरी के लिए। भैया का मैनेज किया हुआ गाड़ी में, अभी बाय बाय बोलना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं वापस से पहुंच गया यहाँ पे खगड़ाचारी में। बारिश दे रहा था, थोड़ा बहुत भीग गया है अभी गाड़ी में भी, और मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से वीडियो नहीं बने वहाँ पे गाड़ी पे। उसके और अभी वापस चलते रेस्टोरेंट पे, और उसके बाद सीधा चिटागोंग के बाद वहाँ से ट्रेन लेंगे और सिलेट की तरफ जाएंगे। वहाँ पे कामामिल बॉर्डर की तरफ जाऊँगा मैं। तो यार मैं रेस्टोरेंट पहुँच गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे खाना बना खाया। अभी जाने वाले चिटागोंग के लिए, छोटोग्राम के लिए, तो सबको अभी बाय बाय बोलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत मिस करेंगे। ओके, बाय बाय, मिलेंगे फिर। हाँ ठीक है ब्रो, बाय बाय, चलते ब्रो। हाँ, फिर आऊँगा, मिस करो यार आप लोगों को, बहुत मिस करूँगा। बाय 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 बाय, भैया जी को रास्ते में बाय बाय बोल देंगे। लेतू भैया जी को काफ़ी हेल्प किया, थैंक यू सो मच, और मिस करेंगे यार बहुत। लेकिन वीडियो आ नहीं पा रहा है नेटवर्क की वजह से। जहाँ भी नेटवर्क अच्छा मिलेगा ना स्टेबल, तभी मैं अपलोड कर दूँगा सब कुछ सीरियली। तो भाई अभी टिकट करवा लिया, ये वाला बस ही जाएगा ऐसा। हाँ, 3 बजे बस आएगा, बस 8 मिनट है अभी। शांति एक्सप्रेस, मतलब शांति ट्रेवल बोल के बहुत चलता है यहाँ पे। ठीक है यार भैया जी, मिस करेंगे, बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो ये है बस का टिकट, 220 मतलब 220 लिया है। और ये वाला जो बस है ये रुकता नहीं कहीं पे, जो मैं आने का टाइम में आया था वो लोकल वाला था, वो रुका था बहुत जगह। हाँ, वापस आ जाऊँगा। ठीक है, अभी चलता हूँ। ये जर्नी का मैं उतना नहीं बनाऊँगा, बस जर्नी तो उस दिन भी बनाया था। अभी डायरेक्ट चिटागोंग पहुँच के वहाँ से बनाऊँगा, अभी थोड़ा सा रेस्ट करके जाते हैं बस में। तो यार अभी अभी पहुँच गया फिर से चिटागोंग, भागदौड़ वाला सिटी, सेकेंड लार्जेस्ट। और टाइम अभी 6 बज गया है। ये यहाँ का कुछ ऐसा CNG स्टेशन है, ज़्यादातर यहाँ पे CNG चलता है, पेट्रोल और मतलब डीजल वगैरह कम चलता है, ऐसा कुछ CNG स्टेशन। ठीक है, अभी मुझे रेलवे स्टेशन जाना होगा, उसके लिए बस पकड़ना होगा कहीं से। तो ये बस स्टैंड का नाम है ऑक्सीजन बस स्टैंड, और यहाँ से मिलता है खगड़ाशेरी के लिए बस। पहुँच गया था मैं यहाँ पे चिटागोंग का रेलवे स्टेशन पे, उसके बाद मैंने टिकट करवाया सिलहट तक के लिए।